बंदे की चुगली से नीरज ईवीरा की खबर फिर आ रही होगी कि आदमी भरोसा करे तो की पे करे, घर के आदमी अब खुटका करने लगे आदमी की पे भरोसा करे। विश्वास समाज में बहुत तेजी से टूट रहा। पहले आदमी लाखन करोड़ रुपए को लेन देन बिना लेखा पड़ी कर ले तो, दूसरे में कर ले तो सगन में तो ठीक है, अब सगन में भी कर ले कि नीले की लेखा पड़ी तो ठीक, गाना बुरी रख लू तो भी बचत नहीं है पैसे की। हमारे पास एक जो आवेदन हो बड़ी हैरान होती थी बिन्नू, नन्नी भाई हरवार आजे नारायणपुर रोड पर आती है, इनने अपने भैया मातो कल्लू अहरवार महाराजपुर के आजे उन्हें 30,000 रुपया देते उधार, उन्हें जरूरत थी और जब इनने रुपया मांगे तो मैं 10,000 दे रहे, और जब ये 20,000 रुपया मांग रहे नहीं तब लोग तकाजो कर रहे कहीं तो इनकी भौजाई ने भैया ने इन्हें डंडे डंडे से मार कर सजा दो। सूझ सूझ आज के आ गई है कुटपिट के आ गई बेचारी, आवेदन दे रही पुलिस को गई तो पुलिस ने एक नहीं सुनी। अब घर बीमार डरी आज मरती है कल मरती, ज्यादा सा इनकी हो गई घायल हाथ में डरी, डॉक्टर कहते दिखाओ अस्पताल में भर्ती नहीं, और भैया भी आज लोग कार्रवाई नहीं हुई। सुने रहे इनको पीड़ा दर्द का है भैया। हेलो राम राम, आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। आज एक जो मामला हो महाराजपुर थाना क्षेत्र को, एक महिला के साथ मारपीट भाई, तो हम उन्हीं से पूछ रहे क्या घटना है, कैसी घटना है, कब की है, का भाव, आपको नाम क्या है? नन्नी भाई हरवार। का भाव, कैसी घटना, का भाव? जो हमारे भाई से पैसा मिलने थे मंजली वाली मातों से, तो पैसा लेने के लिए उसने 2-3 बार हमको इनकार किया कि नहीं है मेरे पास पैसे, और फिर बोला कि हाँ ले जा पैसे, वो मेरी भतीजी को भी लेके आओ। तो हम पैसे लेने गए वहाँ पे, तो पहले हमको आस्ते से बिठा लो अच्छे आस्ते से, जैसे कहा उसको मतलब ऐसे पानी यानी पिला, फिर पैसन की जान होने लगी, मतलब कि पैसा दे भज जाए ऐसो वैसो। तो बस इन पहले जो कछु नहीं बोले, कह रहे हमें नहीं देना चाह कछु भी हो जाए हम नहीं देंगे। फिर हमने कही नहीं भज्जा, हमारे हराम के पैसे नहीं है, हमारी भी मेहनत के पैसा है, हम भी मोड़ी की तबीयत खराब है हमारी की, कम से कम हमने 70-80,000 रुपया लगा दें। और फिर इसके बाद हम भैया कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसे है, तो हमने कही है भैया हमारे पास पैसे होते तो तुम्हारे यहाँ भीख थोड़ी ना मांगना होती। तो फिर भी कहने लगे कि फिर भैया नहीं बोले कुछ नहीं, फिर भाभी आए तो हमारे आगे से बाढ़ पकड़ लिया दोनों हाथ से ऐसे। फिर हमने भाभी से फिर हम चिल्लाने तो फिर हमारे हमको नीचे गिरा लिया भाभी ने, फिर हम हमारा यहाँ पे घिचिया पकड़ लिया भाभी ने, और बाढ़ भी पकड़ लिया एक हाथ से, बाढ़ पकड़ लिया एक हाथ से यहाँ पे पकड़ लिया। तब हम उस जबरदस्ती से मतलब ऐसे लौट पेट के नीचे उठ के उस बगल में भाई, तो हमारे भैया आया तो उन्हें लाद घूस से मारो है, और कह रहे हो कि मादा चूदी हराम जाती मादा चूदी, और तुम्हारा से पैसा लेने आती है तेरे कहे कि पैसा। फिर ऐसा आया हम मोतीलाल आया कल्लू आया, फिर उन्होंने लोगों ने मतलब हमारी मुँह खोल के जबरदस्ती से ऐसी भाभीन ने मतलब सुमन है मातैन है मतलब भैया को का नाम, एक को कल्लू नाम है एक को मातन नाम है। मारपीट के जन ने करी? इनने चारों जन ने मिल के करी, दो ही भैया है मतलब हमारे मोतीलाल है जो पिताजी है, उन्होंने शिशिया दई मतलब भिंडी में डालवे वाली दवा भिंडी जहर, तो वो हमारे मुंह में जबरदस्ती डाल दई, जितनी हम पे उगलत बनी तो हमने उगल दई, और बाकी हमारे पेट के अंदर चली गई। फिर हमें कछु देर होश नहीं आया, कछु देर होश रहा तो हमने अपने लड़के को फ़ोन लगा के बताया, तो हमारे लड़के थाने गए यहाँ से महाराजपुरा के, तो महाराजपुरा में पुलिस वाले बोले कि रिपोर्ट बाद में हो जाएगी, पहले अपने मरीज को इलाज कराओ। तो अब अभी तक इलाज होता रहा, मतलब अभी भी हमारी आँखन से कुछ नहीं दिखाई दे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, अभी कोई नहीं किया अभी। तो भैया जो है मामला बहुत संगीन मामला है, जो एक मजदूरी करके जो मियाँ बीवी बेचारे जैसे तैसे अपनो पेट भरत गुजारा करत, एक इनकी सयानी बिटिया भी है जो शादी लायक है उनकी शादी नहीं कर पा रहे, उन्हें विश्वास में आके अपने भाई का पैसा दे दे, इसके बाद उनके संगे जो अंजाम भो, अब इनने उनका मारवे के लाने पैसन के लाने जहर खपा दो कि जैसे जब मर जाए तो हमें पैसे ही न लगे। अब जो मामला इतना तेज आगे बढ़ रहा हो कि जो बुंदेली चुगली चैनल ये मामला खा के लेके जो है उम्मीद है
कि शासन प्रशासन पे ध्यान दे, पुलिस विभाग विशेष ध्यान दे के गरीब का न्याय देवा है। अब जे नंदी भाई हर बार तो जो कहती कि हमारे भैया भाभी ने तो हमें तो जान से मारे को प्रयास को जबरदस्ती जहर लो खवा रहे थे, हम तो जैसे तैसे बच के आ रहे। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो जरूर ये शिकायत जा है समाज खा के, भैया पुलिस अगर ऐसे मामले में कार्रवाई नहीं करत तो गंभीर स्थिति हो। फिर पीड़ित के न्याय काम मिले जो देखने आए, न्याय को बिंदु कहा पहुंचे जो देखिए वाली बात ही है। तो हम ले रहे बेटा ऐसी खबरें, हम ले आते हो आदमी की आवाज हम उठाते हैं। जय राम जी की।